नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। बड़ी खबर आ रही है एलओसी से, बॉर्डर से, जहां पर पाकिस्तान की सेना ने घुटनों के बल बैठकर हिंद की सेना के आगे सरेंडर कर दिया है। जहां से आप काफी दिनों से बॉर्डर पर फायरिंग चल रही थी, पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही थी, इसी बीच भारतीय सेना का कहर टूटा है। भारतीय सेना के कहर के आगे पाकिस्तान की सेना सरेंडर हो गई है। इतनी गोलियां दागी गई हैं कि पाकिस्तान जो है, पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो इलाका है वो छलनी हो गया है। और पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से सरेंडर किया, उससे लीजिए वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट भी पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे इमरान खान जो है कैसे भारत के आगे नाक रगड़ रहे हैं। इमरान खान कैसे भारत की ताकत के आगे अपना सर झुका रहे हैं। इमरान कैसे अपनी हैकड़ी को आज भारत के आगे झुका रहे हैं। ये वही इमरान खान है, ये वही पाकिस्तान है जो कभी भारत को परमाणु बम के हमले की धमकी देता था। आज यही पाकिस्तान है जो कह रहा है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार है जैसा हिंदुस्तान चाहेगा। चलिए देखिए पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान इन दिनों दुनिया की मानचित्र पर अलग थलग पड़ गया है। इसका एकमात्र कारण है कि आतंकवाद को पनाह देना। इसको लेकर उसे लगातार चौतरफा हमले झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि आर्थिक हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को पाकिस्तान के सुर बदले। इमरान खान की सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हमेशा तैयार हैं और हम भारत से बात करना चाहते हैं। दोनों देशों के DGMO के बीच हुई वार्ता के मद्देनजर के साथ बातचीत की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने यह टिप्पणी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कभी वार्ता से गुरेज नहीं किया। जम्मू कश्मीर समेत तमाम लंबित मुद्दों के हमेशा शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत ने पिछले महीने कहा था कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी वाले संबंधों की इच्छा रखता है। ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। कश्मीर में हलाल समान करने के भारत के कदमों का अमेरिका ने भी स्वागत किया। आपको बता दें, भारत द्वारा अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आर्थिक एवं सियासी हालात को पूर्ण रूप से समान करने की दिशा में उठाए गए कदमों का अमेरिका ने बुधवार को स्वागत किया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में बदलते हालात पर लगातार नजर रख रहा है। आपको बता दें, भारत जो है कभी भी किसी देश पर हमला नहीं करता। भारत कभी भी किसी देश पर हमला नहीं करता और ना ही भारत कभी भी जंग के पक्ष में रहता है। लेकिन अगर कोई देश हिंदुस्तान को जंग की धमकी देता है, अगर कोई देश हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, तो हिंदुस्तान पीछे भी नहीं रहता है। और ये बात आज हिंदुस्तान ने साबित कर दिया जब अपने पड़ोसी देश चीन को उसकी औकात दिखा दी। चीन एक बहुत बड़ी ताकत लेकर हिंदुस्तान में हमले के लिए आया था। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी युद्ध सामग्री, जिसमें चीन के पास मिसाइलें भी थी, टैंक भी थे, फाइटर जेट भी थे। लेकिन हिंदुस्तान ने भी अपनी ताकत का परचम लहराते हुए चीन को दिखा दिया कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। जब हम चीन को पीछे ढकेल सकते हैं, तो पाकिस्तान की क्या औकात थी। और आज यही हुआ है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे नाक रगड़ रहा है, कहता है कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए राजी हैं। अगर आज पाकिस्तान से एक गोली चलती है, तो हिंदुस्तान की तरफ से सैकड़ों गोलियां दाग दी जाती हैं। अगर भारत की एक चौकियां तबाह होती हैं, तो हम पूरे LOC पर पाकिस्तान के सभी चौकियों को तबाह कर देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। अगर हमारा एक जवान शहीद होता है, तो हम पाकिस्तान के दर्जनों जवानों को ढेर कर देते हैं। ये बात पाकिस्तान समझ चुका है कि अब इस हिंदुस्तान से अगला युद्ध लड़ने वाला नहीं है। अब ये हिंदुस्तान पीछे हटने वाला नहीं है।
और इसीलिए आज पाकिस्तान ने अपने आप को सरेंडर किया है। आपको मैंने जो बताया, जो दर्द दिखाया इमरान खान का, उस दर्द में बहुत कुछ है। उस दर्द में यह है कि इमरान खान चाहता है कि जंग को अलग रखकर एक बातचीत की जाए, वो बातचीत ऐसी हो जिसमें हिंदुस्तान जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि अगला नंबर पीओके है। चीन को तो हमने समझा दिया या चीन को हमने टाइट कर दिया, लेकिन अब अगला नंबर पीओके का है। और पीओके का काउंटडाउन आपको पता है 2024 से पहले शुरू हो जाएगा। 2024 से पहले पीओके का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 2024 से पहले पीओके पर तिरंगा भी लहराया जाएगा, और पाकिस्तान चाहता है कि 2024 से पहले पीओके उससे हाथ न जाए। इसीलिए वो लगातार भारत से बातचीत का रास्ता अपना रहा है, कहता है कि हम बातचीत करने तैयार हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जो भी अड़चने हैं, जो भी समस्याएं हैं, उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन भारत मानेगा नहीं। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपी